हरियाणा के सोनीपत में मौजूद मुनक नहर की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा आप यहां पर मौजूद आरएफ की पूरी एक कंपनी को देखकर लगा सकते हैं। मुनक नहर से बहता हुआ पानी अगर रुक जाता है तो दिल्ली हिल जाती है, क्योंकि दिल्ली की प्यास इसी मुनक नहर के पानी से बुझती है। पिछली बार जाट आंदोलनकारियों ने मुनक नहर पर कब्जा कर लिया था, कई जगहों से नहर को काट भी दिया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं मुनक नहर पर। मुनक नहर मतलब यहाँ से दिल्ली को पानी जाता है, अगर मुनक नहर में किसी तरह की कोई रुकावट होती है तो दिल्ली प्यासी रह जाती है। जाट आरक्षण आंदोलन पार्ट वन की बात करें तो मुनक नहर को आंदोलनकारियों ने रोक दिया था, तोड़ दिया था। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो जगह है जहां से मुनक नहर पिछली बार तोड़ी गई थी, और ये पूरा पानी जो दिल्ली की ओर जा रहा है ये पूरा पानी डाइवर्ट हो गया था, और इसके बाद दिल्ली की स्थिति ये हो गई थी कि दिल्ली प्यासी रह गई थी। वीवीआईपी लोगों को छोड़ दिया जाए तो तमाम लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, स्कूल बंद करवा दिए गए थे क्योंकि बच्चे आखिरकार तैयार किस तरह के होंगे। लेकिन इस बार जैसे ही जाट आरक्षण आंदोलन पार्ट टू की सुगबुगाहट दिखाई पड़ी, सुनाई पड़ी, तुरंत ही यहां पर लोग एक्टिव हो गए। सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले मुनक नहर की बढ़ाई गई। प्रशासन को पिछली बार आंदोलनकारियों को यहां से हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, गोलियां और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे, जिस वजह से यहां पर कुछ मौतें भी हुई थी। शायद इस नहर की अहमियत को समझते हुए ही इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बार मुनक नहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरएफ के पास है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में किस तरह से आरएफ यहां पर मौजूद है। जाट आरक्षण आंदोलन के वजह से यहां पर आरएफ को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से यहां पर आंदोलनकारी इस पूरी मुनक नहर को किस तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए और दिल्ली में लगातार पानी की सप्लाई होती रहे। जाट आरक्षण आंदोलन पार्ट वन की बात करें तो यहां पर मुनक नहर को आंदोलनकारियों ने तोड़ दिया था, दिल्ली में पानी जाना बंद हो गया था, और उसके बाद यहां पर आरएएफ को लगाया गया था, सीआरपीएफ को लगाया गया था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया था, गोलियां भी चलानी पड़ी थी और दो लोगों की मौत भी यहां पर हुई थी। लेकिन इस बार प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से सतर्क है, यहां पर आरएएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं, एक कंपनी पूरी आरएएफ की यहां पर लगाई गई है जो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरह से यहां पर जो पानी जा रहा है दिल्ली की ओर उसे किसी भी तरह से आंदोलनकारी ना रोक सके। पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है, और इन जवानों को देखकर अगर उपद्रवी यहां पर आने की कोशिश भी करेंगे तो एक बार दहशत होगी। दंगा नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद रहती है, और यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाने का मतलब है कि सरकार इस पूरी चुनौती को बहुत ध्यान से ले रही है और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को इस बारे में ट्रेनिंग मिली होती है। अगर मॉब आती है बहुत तेजी से तो किस तरह से उनका नियंत्रण किया जाता है, और यहां पर पूरी एक कंपनी लगाई गई है रैपिड एक्शन फोर्स की, और समझ सकते हैं कि इस मुनक नहर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है। पिछली बार जब पानी यहां पर रुका था तो एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा था। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे थे, उसके बाद आनन फानन में यहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और मुनक नहर की सुरक्षा यहां पर आप देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से मुनक नहर की सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित की गई है प्रशासन के द्वारा। मुनक नहर के पास सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हैं, इसलिए प्रदर्शनकारी इस बार शायद इसके आसपास भी ना भटकें। लेकिन पिछली बार यहां के लोगों को मुनक नहर के पास हुए उपद्रव से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हमने आसपास के गांवों में जाकर ये जानने की कोशिश भी की क्या इस बार आंदोलन की शुरुआत के बाद गांवों में इसका असर पड़ा है। बस छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आखिरकार जाट आरक्षण आंदोलन पार्ट टू की शुरुआत के बाद हरियाणा के आम आदमी के अंदर क्या कोई डर बैठा हुआ है, या फिर वो सुरक्षा व्यवस्था को देखकर पूरी तरह से निश्चिंत है।